हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम लाइफ, आप सभी का स्वागत है। तो बॉलीवुड के दबंग एक्टर सलमान खान की एक्टिंग का हर कोई दीवाना है। कुछ लोग उनकी एक्टिंग को पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते। वहीं बहुत कम लोग जानते हैं कि एक्टिंग के कदम रखने से पहले सलमान खान डायरेक्टर बनने का सपना आंखों में लिए दर दर भटका भी करते थे। तो वॉन्टेड, दबंग, मैंने प्यार किया, बजरंगी भाईजान, टाइगर जिंदा है जैसी बेहतरीन फिल्मों में लीड एक्टर का रोल निभाने वाले सलमान खान को कौन नहीं जानता। सलमान खान बॉलीवुड के जाने माने सितारे और देश के सुपरस्टारों में गिने जाते हैं। सलमान खान का स्टारडम देखते ही बनता है। सलमान खान की फैन फॉलोइंग भी इस हद तक है कि उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। वहीं कुछ फैन तो सलमान को भगवान तक भी मान लेते हैं। और बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सलमान खान का पहला सपना सुपरस्टार बनना नहीं बल्कि डायरेक्टर बनना था। सलमान खान बचपन से ही जानते थे कि उन्होंने लाइफ में क्या करना है। सलमान खान डायरेक्टर बनने का सपना अपनी आंखों में पाले बैठे थे। कैमरे के पीछे रहकर वे अपना नाम कमाना चाहते थे। आइए जानते हैं सलमान खान के डायरेक्टर बनने का पूरा किस्सा क्या है। दरअसल ये हर कोई जानता है कि सलमान खान का फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक है और यही कारण है कि उनके अंदर फिल्मी दुनिया में काम करने का शुरू से ही जुनून था। सलमान खान ने ऐसा वक्त भी देखा है जहां वे स्क्रिप्ट लेकर दर दर भटकते थे लेकिन उन्हें एक भी मौका देने के लिए कोई तैयार नहीं होता था, जिस बात को खुद सलमान खान ने स्वीकार किया है। एक इंटरव्यू में सलमान खान ने बताया था कि उनकी ख्वाहिश एक्टर से ज़्यादा डायरेक्टर बनने की थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया था कि मुझे डायरेक्टर बनना था और यही कारण था जो मैं स्क्रिप्ट लेकर इधर उधर भटकता रहता था। एक्टिंग में अपना हाथ आजमाने से पहले मैं असिस्टेंट था और उससे पहले मैं मॉडलिंग भी किया करता था। और उस वक्त की बात है जब ना मेरे पास हाइट हुआ करती थी और ना ही बॉडी और ना ही कोई पर्सनैलिटी मेरी खास थी। उस वक्त मैं मोहल्ले का दादा, पुलिस इंस्पेक्टर, लोहे जैसी फिल्में बनाया करता था जिसमें मेरे हिट होने का कोई चांस नहीं था। आगे सलमान खान बताते हैं कि उस दौरान मैं बतौर हीरो परफेक्ट नहीं हुआ करता था। मेरा वज़न भी उस वक्त लगभग 50 किलो था। जब भी मैं स्क्रिप्ट लेकर जिस किसी के पास जाता था तो उनसे मुझे सिर्फ यही सुनने को मिलता था कि तुम अभी यंग हो, एक्टिंग में क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो। लेकिन मैं फिर भी अपनी स्क्रिप्ट लेकर दर बदर भटकता रहता था और पूरी कोशिश करता था कि कहीं तो मुझे डायरेक्टर बनने का कोई चांस मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनकी किस्मत में शायद एक्टर बनना ही लिखा था। थोड़ी देर यूं भटकने के बाद उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वे एक्टर ही बनेंगे और उन्होंने फिर एक्टिंग में हाथ आजमाया। हालांकि एक्टिंग में भी उन्हें थोड़ा समय लगा लेकिन आज के समय में सलमान खान एक बेहतरीन एक्टर माने जाते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा खासा कमाते भी हैं। नेक्स्ट टाइम लाइफ की रिपोर्ट।